हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम कंटिन्यू हो चुका है फिर से। आज 30 अगस्त को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं, एक से लेकर 150 प्रश्नों का हल देखेंगे इस वीडियो में। और जिनका भी कल 31 अगस्त को पेपर है वो एक बार ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को, और पता चलेगा कि आपको 30 अगस्त के एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही आपके कल वाले पेपर में भी आएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, 30 अगस्त का पूरा ये पेपर का सॉल्यूशन रहेगा, एक से लेकर 150 प्रश्नों का आपको इसमें हल मिल जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, इस बात पर वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिए। तो जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी एक साथ लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हो तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको क्वेश्चन में बताना है कि हंसवाहिनी की सही वर्तनी क्या है, यानी कि हंसवाहिनी को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? हंसवाहिनी की सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट में किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो क्वेश्चन नंबर डालकर उसका साथ साथ ऑप्शन नंबर डालकर आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर हमें बता सकते हैं। तो क्वेश्चन है, वह दिल्ली से डैश आया। आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या शब्द आएगा। तो वह दिल्ली से आज, ज़्यादा, चल या थोड़ा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वह दिल्ली से आज आया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है समता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो समता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? समता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बराबरी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको बताना है सजीव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन रहेगा। तो सजीव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेट्रोल के डैश बढ़ गए। आपको बताना है कि खाली स्थान में क्या आएगा। तो पेट्रोल के क्या बढ़ गए हैं? तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको बताना है कि रोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति रोगी है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति निरोग है, यानी कि उसे कोई भी रोग नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पिक का स्वर बहुत मधुर होता है, तो पिक की जगह आप किस अन्य विकल्प को चूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसका भ्राता अच्छा शिक्षक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भ्राता का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। उसका पति क्या है? अच्छा शिक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ इसके लिए हम एकल शब्द क्या यूज करेंगे? तो हाथ से लिखा हुआ, यानी कि हस्तलिखित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। आपको बताना इसमें कहाँ पे त्रुटि है। तो इसमें त्रुटि है किए हैं। देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? की है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, किए हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मोहन स्कूल जाता है डैश मन लगाकर पढ़ता है। मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नियंत्रण में करना। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य आपको दिया गया है, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। तो आपको बताना है इसमें त्रुटि कहाँ पे है। तो श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, होती नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, होती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रयास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हाथ पांव फूल जाना यानी कि घबरा जाना, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक है, किंतु की जगह क्या आ जाएगा, पुरुष और नारी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पुरुष किंतु नारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की सही वर्तनी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, तो जरूरी की जगह आप क्या यूज करोगे, मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का डैश है, तो चोरी का क्या होगा, संदेह होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, शरण में आया हुआ, तो शरण में आया हुआ यानी कि शरणागत। अगला क्वेश्चन है, आपको गद्यांश को ध्यान से रीड करना है, वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए, फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले आपको बताना है पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, चलिए रीड करते हैं। आज के समय में लड़का लड़की एक डैश है, तो आज के समय में लड़का लड़की एक समान है, ऑप्शन नंबर डी। आगे पढ़ते हैं, आज अगर कोई ये मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती और लड़का सब कुछ कर सकता है तो वह इंसान डैश है, तो वह इंसान क्या है, गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे पढ़ते हैं, आज का समय पहले की तरह नहीं जहां लड़कियों को सिर्फ घर का काम और बच्चों को संभालने की डैश दी जाती थी और ये माना जाता था कि इसके अलावा लड़कियां और कुछ नहीं कर सकती। तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान तीन में क्या आएगा। तो आज का समय पहले की तरह नहीं है जहाँ लड़कियों को सिर्फ घर का काम और बच्चों को संभालने की क्या दी जाती थी, जिम्मेदारी दी जाती थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे, अब बताना है आपको रिक्त स्थान चार में क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अब लड़कियां लड़कों के कंधों से कंधा डैश काम करती है, तो अब लड़कियां लड़कों के कंधों से कंधा क्या करती है, मिलाकर काम करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताना है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान पांच के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि अब सरकार और समाज ने दोनों को डैश का दर्जा दिया है, तो आपको बताना है रिक्त स्थान पांच में क्या आएगा। तो अब सरकार और समाज ने दोनों को क्या दिया है, बराबरी का दर्जा दिया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कर्कट जलप्रपात स्थित है, कर्कट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन, तो ये स्थित है बिहार राज्य में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वेल्ड प्रकार के घास के मैदान किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए, वेल्ड टाइप जो ग्रासलैंड्स हैं ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको रिपोर्ट सौंपते हैं, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो ये सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इमादी नरसिम्हा की हत्या के बाद तुलुवा वंश का राजा कौन बना, तो इमादी नरसिम्हा की हत्या के बाद तुलुवा वंश का जो राजा था वो वीर नरसिम्हा बना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना रखी, तो पुणे में मुक्ति मिशन की जो स्थापना रखी गई थी वो पंडिता रमाबाई के द्वारा रखी गई थी, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने युद्ध में रॉकेट का उपयोग सबसे पहले किया था, तो युद्ध में रॉकेट का उपयोग सबसे पहले किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय में स्थित प्रसिद्ध नाशपति के आकार की झील निम्न में से कौन सी है, तो नाशपति के आकार की झील है नैनीताल झील, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर, तो ये थी पाटलिपुत्र, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उस योजना को समाप्त करता है जिसके तहत निवारक निरोध कानून बनाया जा सकता है,
तो ये करता है आर्टिकल 22। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि NIA किस तरह के अपराधों की जांच कर सकती है। देखिए जो NIA है ये आतंकवादी हमलों यानी कि टेररिस्ट अटैक की जांच कर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। तो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में उपरोक्त सभी शामिल है, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई आलाखंड की विषय वस्तु है जो हिंदी में 12वीं शताब्दी की महाकाव्य की काव्य करती है। तो कौन सी लड़ाई है ये, तो ये है महोबा की लड़ाई, बैटल ऑफ महोबा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की। तो भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेसली के द्वारा की गई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गुप्ता द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम क्या था। तो इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम था रूपका। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सालसेट द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए जो सालसेट द्वीप है ये उल्हास नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मनुष्यों में हीमोग्लोबिन निम्नलिखित गैसों की जिसके लिए उच्चतम संबंध है। तो ये है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है। तो ग्लाइकोजन का जो भंडारण है वो लीवर यानी कि यकृत में होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्रू रैप्स इन ए ह्यूमन बॉडी। तो इनकी संख्या होती है 14। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक गोल्ड रिंग जो 50% शुद्ध है इसकी शुद्धता को वैकल्पिक रूप से डैश के रूप में दिखाया जा सकता है। तो ये दिखाया जा सकता है 12 कैरेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु घड़ी किस तत्व के परमाणु में उत्पन्न आवधिक कंपन पर आधारित है। तो ये होती है सीजियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी है अमरावती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का, लेजिस्लेटिव कैपिटल है ये। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत और किस देश के बीच सहयोग काइजिन अभ्यास आयोजित किया गया था। तो ये किया गया भारत और जापान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं में राइबोसोम द्वारा निभाई गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कौन सी है, तो ये है प्रोटीन का संश्लेषण करना। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक गेहूं और चावल उत्पादक राज्य है। तो सबसे अधिक गेहूं और चावल उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतांत्रिका संप्रदाय का है, तो ये है बौद्ध धर्म का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की निम्न में से कौन सा बिंदु था। तो ये था डोमिनियन स्टेट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हरियाणा के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान किंवदंतियों के अनुसार भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो कहाँ पर दिया था, तो ये ज्योतिसर में दिया गया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीने वाला सोडा की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ ड्रिंकिंग सोडा। तो इसकी जो प्रकृति है वो एसिडिक यानी कि अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो सर्वोदय आंदोलन को विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य मनुष्य के लिए अलग अलग दृष्टि सेंटीमीटर की सबसे कम दूरी का मान क्या है। तो ये है 25 सेमी। नेक्स्ट है भारत को स्वतंत्रता मिलने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी विचारों के पिता के रूप में जाना जाता है। तो क्रांतिकारी विचारों के पिता के रूप में जाना जाता है बिपिन चंद्र पॉल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी 1927 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू खुफिया एजेंसी को अमानियत के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अफगानिस्तान की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आज की इस वीडियो में रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? देखिए, जो रेडक्लिफ लाइन है ये आपके भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आप इस सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुडावी पक्षी अभयारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? देखिए, जो गुडावी बर्ड सेंचुरी है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कोमोरोस की राजधानी और मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कोमोरस? तो बात करते हैं कोमोरस की राजधानी और मुद्रा की, तो राजधानी है मोरोनी और मुद्रा है फ्रैंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भो साहेब बंदोदकर ग्राउंड किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उपलपाडू पक्षी अभयारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश स्टेट में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द कोटक महिंद्रा बैंक हेडक्वार्टर? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में मेला खीर भवानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, जो मेला खीर भवानी उत्सव है ये आपके जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का मुख्यालय कहाँ है? तो ESA का जो मुख्यालय है, यानी कि यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौलिंग नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, जो मौलिंग नेशनल पार्क है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपके सिंगापुर में स्थित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व? देखिए, जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बात करते हैं जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक्सिस बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सिस बैंक इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो ये किस शहर में है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में है? ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल लोकेटेड, तो कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट ये आपके केरल राज्य में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूनीशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ट्यूनीशिया? तो देखिए, ट्यूनीशिया की राजधानी और मुद्रा है
ट्यूनिस और दिनार। यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है ट्यूनिस, और करेंसी यानी कि जो मुद्रा है वो कौन सी है, दिनार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है। विच ऑफ दिस सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंबल। तो कौन सा है, तो ये है कोटा शहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में धरोई बांध कहाँ स्थित है। बात करते हैं भारत में धरोई डैम की, तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजबारी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए जो राजबारी नेशनल पार्क है ये स्थित है त्रिपुरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहाँ पे स्थित है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है द हैग नीदरलैंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है तुर्की की मुद्रा है, द करेंसी ऑफ तुर्की इज। बात करते हैं तुर्की की मुद्रा की, तो तुर्की की मुद्रा है लीरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो भारत में जो पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य है ये सिक्किम राज्य में आता है। कहाँ पे आता है, सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेबोरोन किस देश की राजधानी है। गेबोरोन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो ये है बोत्सवाना की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है सारनाथ संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए जो सारनाथ म्यूजियम है, सारनाथ संग्रहालय है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भंडारदारा बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन हेडक्वार्टर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए जो अजंता केव्स है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी कि UNHCR का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजिस इसका जो मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 15 परिषद सदस्यों के बीच घूमती है डैश, तो ये एवरी मंथ घूमती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपके लंदन में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष में नोबल शांति पुरस्कार मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबल का शांति पुरस्कार 1969 में मिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का जो मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिप्री का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। बात करते हैं सिप्री के मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय वो आपके स्टॉकहोम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का होता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वदेश किन मंत्रालयों की सहयोगी पहल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि इन तीनों मंत्रालयों की। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व संगीत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए जो वर्ल्ड म्यूजिक डे है ये मनाया जाता है 21 जून को, 21 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान किस राज्य में स्थित है।
तो ये स्थित है आपके कोयम्बटूर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है, तो देखिए जो तुंगभद्रा डैम है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, देखिए जो गांधी सागर डैम है ये भारत के मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय भी आपके जिनेवा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है मारू भारत सारू भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं रतन सुंदर सूरी स्वर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आशुतोष मुखर्जी को के नाम से भी जाना जाता है, देखिए आशुतोष मुखर्जी को बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो देखिए जो भवानी सागर डैम है ये तमिलनाडु स्टेट में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है केओटी फॉल किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम किस शहर में स्थित है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये स्थित है नैरोबी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुश्री अनुसुईया उइके, सॉरी ये क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओबरा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोची महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। गोची जो महोत्सव है वो भारत के हिमाचल प्रदेश स्टेट में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, तो ये है आपके रोम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किश्तावर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, देखिए बात करते हैं तूतीकोरिन पोर्ट की, तो ये स्थित है आपके तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है फिजी की राजधानी और मुद्रा कैपिटल एंड करेंसी ऑफ फिजी, तो ये है सुवा, यहाँ की क्या हो जाएगी राजधानी, और डॉलर यहाँ की मुद्रा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को किन मामलों में नियंत्रित करता है, तो ये करता है उपयुक्त सभी मामलों में, यानी कि बैंकों के विलय में, शाखा विस्तार में और संपत्ति की तरलता में। अगला क्वेश्चन है दुर्गियाना मंदिर किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है आपके अमृतसर पंजाब में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 जून को। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, तो ये नहीं है म्यांमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक राष्ट्रपति अध्यादेश कितने महीनों तक लागू रह सकता है, तो ये जो अध्यादेश है वो 6 महीनों तक लागू रह सकता है, फॉर 6 मंथ ओनली। नेक्स्ट है कालबेलिया या कबीलिया किस राज्य का नृत्य रूप है, तो कालबेलिया राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य रूप है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का स्पीकर अपने इस्तीफे के पत्र को किसके नाम से संबोधित कर सकता है, तो ये करता है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के नाम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविया इंद्र भारत और किस देश के बीच एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है? तो ये भारत और रशिया के बीच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBSAMAR भारत, ब्राज़ील और किस देश के बीच त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीम अल बहार भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और ओमान देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है प्रबल दोस्तकी भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है नोमेडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लामित्य भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और सेशल्स के बीच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खंजर भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और मालदीव के मध्य में है।